subscribe my channel and hit the bell icon. स्वागत है फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल सेफ टू इंडिया में. फ्रेंड्स आज हम समझेंगे LEL यानी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और UEL यानी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट. फ्रेंड्स LEL यानी द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर गैस एंड वेपर. फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि किसी भी गैस या केमिकल का वह न्यूनतम अंग यानी किसी भी केमिकल का वह न्यूनतम बिंदु जिसके संपर्क में आने पर वह गैस अदर केमिकल या गैस से रिएक्ट करके एक्सप्लोजिव हो जाता है उसे हम LEL कहते हैं. UEL द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर गैस यानी किसी भी गैस या केमिकल का वह अधिकतम बिंदु जिसके बाद गैस और केमिकल से वो रिएक्शन न कर पाए और रिएक्शन न कर पाए जिसके कारण वो ब्लास्ट नहीं कर पाएगा. आइए हम उदाहरण से समझते हैं आपको भी समझने में काफी आसानी होगी. फ्रेंड्स हम लेते हैं ब्यूटेन गैस जो आप LPG यूज करते हैं घरों में उसमें ब्यूटेन होता है. ब्यूटेन का जो LEL होता है वो 1.6 होता है यानी हम एक कमरे में एक कमरा है उस कमरे में यदि हम 1.5 तक अगर हम ब्यूटेन को छोड़ते हैं 1.5% तक ब्यूटेन को उसमें छोड़ते हैं तो भी आग नहीं लगेगी. लेकिन जैसे ही 1.6 होता है या इससे ऊपर होता है तो आग लग जाती है. दूसरी बात वही हम जब इसके मैक्सिमम यानी UEL के बारे में देखते हैं अपर एक्सप्लोजिव लिमिट जब ये 8.4 से जब ये ऊपर जाता है तो भी आग नहीं लगती क्योंकि इससे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा ये जैसे बढ़ता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है इसलिए आग नहीं लगती. फ्रेंड्स ये था LEL और UEL के बारे में. आपको कैसा लगा वीडियो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं.